हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि सब बढ़िया बड़े मस्त होंगे। लॉकडाउन खूब एंजॉय कर रहे होंगे, खूब सो रहे होंगे, खूब खा रहे होंगे, खूब पढ़ रहे होंगे। उम्मीद करते हैं कि फिजिक्स भी आप पढ़ रहे होंगे। ठीक है, चलिए प्रॉपर तरीके से अपना होमवर्क हमारे पास में भेजते रहिए। बहुत कम स्टूडेंट्स अपना होमवर्क भेज रहे हैं। भैया ऐसा मत करो बेटा, अपना होमवर्क प्रॉपरली हमारे पास में भेजो, नहीं तो आपके ऊपर बर्डन बढ़ता जाएगा जैसे जैसे लेक्चर होते जाएंगे। इतने सारे लेक्चर आप नहीं देख पाएंगे फिर। ठीक है, तो अपने काम को आप कंप्लीट करते चलो, क्लास वर्क अपना साथ साथ करके चलो और उसे रिपीट करो। फिर होमवर्क कॉपी के अंदर जो क्लास वर्क हम आपको करा रहे हैं, ये समझ लीजिए कि वही आप लोगों का बस होमवर्क है, वही आपको अच्छे तरीके से करना है। ठीक है, चलिए। सो बच्चों, हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था कूलम्स लॉ। उम्मीद करता हूँ कि सबको समझ आई होगी बात, जो हमने कल की क्लास में कूलम्स लॉ डिस्कस किया था। बेसिक कूलम्स लॉ हमने आपको बताया था। ठीक है, आज हम कूलम्स लॉ के ऊपर कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करने वाले हैं। आइए जानते हैं कि वो प्रॉब्लम क्या है। क्वेश्चन नंबर वन, बेटा मैंने कूलम्स लॉ के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए हैं जिसमें बेसिक लेवल से लेकर स्टैंडर्ड लेवल तक के सारे क्वेश्चंस हैं, तो जितना भी आप करना चाहते हैं वो अच्छे तरीके से आप करिएगा। फर्स्ट प्रॉब्लम देखिए बेटा हमारे पास में है क्या। वॉट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्पेयर हैविंग अ चार्जेस। भाई एक बॉडी हमें दे रखी है जिसका चार्ज है 2×10⁻⁷ कूलम्ब पॉजिटिव में। ओके बेटा, दूसरी बॉडी हमें दे रखी है, इसका भी चार्ज पॉजिटिव में है और इसका चार्ज है 3×10⁻⁷ कूलम्ब। इनके बीच का जो गैप हमें दे रखा है वो है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, और इनके बीच में ना एयर है बेटा, एयर। आपको बताना है कि कितना फोर्स काम करेगा। तो हम ये कहेंगे स्टूडेंट, देखिए ध्यान से, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा इस तरफ और ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा इस तरफ। ठीक है, और इनके बीच में जो फोर्स काम करेगा उसकी वैल्यू रहेगी 1/4πε0। यहाँ रहेगा Q1, यहाँ रहेगा Q2 और अपॉन रहेगा R2। ये हमारा कूलम्स लॉ है। अब आप जान लीजिए 1/4πε0 की वैल्यू होती है ये 9×10⁹। Q1 एक बॉडी का चार्ज होगा हमारा इतना 2×10⁻⁷, दूसरी बॉडी का चार्ज होगा हमारा इतना 3×10⁻⁷। और इनके जो बीच का गैप होगा, देखो बेटा 30 सेंटीमीटर है, तो पहली बात यह है कि सेंटीमीटर में आपको नहीं रखना है, मीटर में रखना है। मीटर में कन्वर्ट कैसे करोगे, 10⁻²⁺ लगाकर होल स्क्वायर कर दोगे, ये बनेगी हमारे पास में कंडीशन। अब इस कंडीशन को हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या आंसर बनेगा। फोर्स इज इक्वल टू 9×2 = 18, 18×3 = 54, ये आ गया 54, 10⁻⁷ - 7 - 7 यानी -14, -2 का स्क्वायर करेंगे और ये 10⁻⁹ है, 10⁻⁹ × 10⁻⁴, देखो बेटा ध्यान से, 30 का स्क्वायर करेंगे 900×10⁻⁴, ये आ गई हमारे पास में कंडीशन। आइए सॉल्व करते हैं। देखिए सिचुएशन बनेगी 54/9×10⁻⁺ × 10⁻⁴, कैसे, ये दो जीरो से यहाँ 10⁻²⁺ आ जाएगा, -2 को ऊपर ले जाएंगे +2 हो जाएगा, +2 और +9 + 11, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 6 और ये आएगा 10⁻³⁾ न्यूटन, यानी एयर में इनके बीच में इतना फोर्स काम कर रहा होगा बेटा। अगर दो बॉडी या दो चार्ज एयर में रखे हैं ना, तो उनके बीच में इतना फोर्स काम करेगा। ये हमारी कूलम्स लॉ से रिलेटेड फर्स्ट प्रॉब्लम है बेटा, कूलम्स लॉ से रिलेटेड ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। बिल्कुल बेसिक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। 1/4πε0 की वैल्यू हमने रखी, Q1 की वैल्यू हमने रखी, Q2 की वैल्यू हमने रखी और नीचे उनके डिस्टेंस का स्क्वायर किया, सॉल्व किया तो फोर्स हमारा कैलकुलेट हो गया, इतना फोर्स हमारे पास में रहेगा। उम्मीद करते हैं कि समझ आई होगी आप लोगों को बात, जल्दी से नोट डाउन करिए, हम आगे बढ़ेंगे।
वीडियो को पॉज करके अपना नोट कर लीजिएगा बेटा। सेकंड क्वेश्चन पर अब हम लोग आते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास में ये, एक बार बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कि प्रॉब्लम क्या है बेटा आपके पास में। टू इक्वल, दोनों इक्वल चार्जेस हैं, टू इक्वल चार्जेस प्लेस्ड इन एयर एंड सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ दिस, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। यानी कुछ ऐसी कंडीशन है, ये प्लस क्यू और ये भी प्लस क्यू और इनके बीच का गैप है 1 मीटर। ये प्लस क्यू इस प्लस क्यू को इधर रिपेल कर रहा है और ये प्लस क्यू को इधर रिपेल कर रहा है। इनके बीच में जो फोर्स काम कर रहा है ना बेटा, वो हमें गिवन दिया है, वो है 8.1 × 10⁻⁴ N और इनके बीच में एयर है और कुछ नहीं है। आपको बताना है कि क्यू की वैल्यू कितनी रहने वाली है, क्यू कितना रहने वाला है, आपको ये बताना है। आइए स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले हम आपके सामने लिखते हैं कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग 1/4πε0 Q1 × Q2/r². देखिए बच्चों, फोर्स की वैल्यू है हमारे पास में ये 8.1 × 10⁻⁴। 1/4πε0 को हम लिख सकते हैं 9 × 10⁹। Q1 भी Q हो गया और Q2 भी Q हो गया, सो Q × Q ये बन गया Q² और डिस्टेंस है 1 स्क्वायर। देखो बेटा मीटर में है तो मीटर में ही रखा हम लोगों ने 1 स्क्वायर। अगर सेंटीमीटर में होता तो पहले मीटर में कन्वर्ट करते हैं हम लोग। 9 से ये कैंसिल आउट, ये आ गया 0.9। 10⁻⁹ इधर लेकर जाएंगे, 0.9 × 10⁻⁴ × 10⁻⁹ ये हो गया Q²। सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 9 × 10⁻⁴ is equal to Q². बात समझ में आ रही है बेटा? ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ एक पावर बढ़ जाएगी, इधर से अंडर रूट स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट लगेगा, 9 का अंडर रूट 3 और 14 का हो जाएगा −7 कूलम। लो बेटा चार्ज की वैल्यू रहेगी हमारी इतनी, 3 × 10⁻⁷ कूलम। ठीक है, सिंपल कूलम्स लॉ हमने अप्लाई किया और हमारी चार्ज निकल कर आ गया इतना, 3 × 10⁻⁷ कूलम। और ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट में। ये ए पार्ट था बेटा अपने पास में, ये ए पार्ट था। अब आते हैं हम इसके बी पार्ट में। देखिए बी पार्ट क्या है हमारे पास में, बी पार्ट ये है, फाइंड द फोर्स बिटवीन देम इफ द स्पेस बिटवीन देम इज फिल्ड विद वाटर K = 81। यानी भाई एक चार्ज Q है, दूसरा चार्ज Q है और इनके बीच में अभी एयर है और इनके बीच में जो फोर्स काम कर रहा है वो इतना है 8.1 × 10⁻⁴ N। अगर मैंने इनके बीच में वाटर फिल कर दिया बेटा, यहाँ पर मैंने यहाँ पर ना वाटर फिल कर दिया, वाटर, ये वाटर वाटर, तो आप जानते हैं कि वाटर फिल करने से, मैंने कल पढ़ाया था एयर में फोर्स ज़्यादा काम करता है और जैसे ही दो चार्ज के बीच में कोई मीडियम एग्जिस्ट कर जाता है फोर्स की वैल्यू एकदम से कम हो जाती है। तो यहाँ जो फोर्स काम करेगा, यानी फोर्स इन वाटर लेस देन फोर्स इन एयर, यहाँ ज़्यादा फोर्स काम करेगा, यहाँ कम फोर्स काम करेगा। और वाटर में जो फोर्स काम करेगा ना बेटा, पढ़ा रखा है हमने आपको, ध्यान रखिएगा, एयर के फोर्स का 1/k टाइम्स रहेगा। अब बताइए एयर में कितना फोर्स काम कर रहा है, एयर में काम कर रहा है इतना 8.1 × 10⁻⁴ और k की वैल्यू है हमारे पास में 81। इसको इससे कैंसिल आउट करेंगे 10, सॉल्व करेंगे आंसर बन जाएगा 10⁵ N। यानी एयर में अगर इतना फोर्स काम कर रहा था तो वाटर में इतना फोर्स काम करेगा 10⁵ N। उम्मीद करता हूँ कि ये भी आप लोगों को समझ आया हो। जल्दी से दोनों पार्ट नोट करिए, फिर हम थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे बेटा। इसका थर्ड पार्ट देखेंगे क्या है। अब पहले दोनों पार्ट को सॉल्व कर लीजिए अच्छे तरीके से।
तो बेटा अब आते हैं हम इसके थर्ड पार्ट पर और देखते हैं कि थर्ड पार्ट क्या है इसका। ठीक है, देखिए थर्ड पार्ट क्या है। स्टार्टिंग में उसने हमें कह रखा है कि जो फोर्स काम कर रहा है उसकी वैल्यू है इतनी 0.81 × 10⁻⁴ न्यूटन। अब देखिए उसने क्या कहा हमें थर्ड पार्ट में, आप जरा समझिएगा ध्यान से बेटा। उसने कहा वॉट विल बी द न्यू फोर्स इफ द चार्ज ऑन ईच स्पेयर इज डबल, अगर चार्ज हमने पहले से डबल कर दिया और डिस्टेंस को हमने आधा कर दिया तो नया फोर्स कितना होगा। आप ये देखो कि पुराना फोर्स है हमारे पास में इतना, आपको गिवन दे रखा है, ठीक है, 1/4 πε₀, एक चार्ज q है, दूसरा चार्ज q है और उनके बीच का गैप है 1 मीटर, या r लिख लीजिए अभी r² 1 मीटर को मैंने r मान लिया। उसने कहा कि नया फोर्स बताओ कितना हो जाएगा अगर हमने चार्जेस को कर दिया डबल, यानी q को हमने 2q कर दिया और इस q को भी हमने 2q कर दिया और उनके बीच के डिस्टेंस को हमने आधा कर दिया, चार्जेस को हमने डबल कर दिया, डिस्टेंस को हमने आधा कर दिया, तो नया फोर्स कितना होगा। तो बेटा देखो क्या लिख पाओगे आप लोग, F इज इक्वल टू 2 × 2 = 4, ये 2 का स्क्वायर ऊपर जाएगा तो 4 × 4 = 16, हम इसे लिख पाएंगे ये 16 1/4 πε₀ q² / r², समझ आ रही बात। 2 × 2 = 4, ये 2 का स्क्वायर 4, ये 4 ऊपर जाएगा तो 16 बन जाएगा, बाकी सारी वैल्यूज को मैंने पीछे लिख दिया। अब आप देखो कि इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास में, इसकी वैल्यू है हमारे पास में ये, यहाँ पुट कर देंगे 0.81 × 10⁻⁴ न्यूटन, मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा, आप अपने तीनों आंसर मैच कर लीजिएगा आपका आंसर निकल जाएगा बेटा। इस तरीके से हम काम बनाएंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो थर्ड प्रॉब्लम मैंने आपको बताई है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसका ध्यान रखिएगा। चार्जेस को डबल कर दिया और डिस्टेंस को आधा कर दिया, चार्जेस को डबल करके और डिस्टेंस को आधा करके फोर्स हमारा नया फोर्स F हो गया, 16 को हमने आगे लिख दिया, इस वैल्यू को पीछे लिख दिया और ये वैल्यू हमारी इसके इक्वल है, यहाँ रख दी, मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन के तीनों का आंसर हमने निकाल दिया, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है बेटा, बोर्ड एग्जाम के लिए ऐसा ही क्वेश्चन आता है, आप लोग ध्यान रखिएगा अच्छे तरीके से किस तरीके से हमने इस प्रॉब्लम को बनाया है। ठीक है, कहीं कोई भी समस्या आपको लगे तो मुझसे क्लियर करिएगा। ओके, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो बेटा नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है अपने पास में, जरा समझिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में ये, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्पेयर ऑफ चार्ज 0.4 μC। 0.4 μ का मतलब है 10⁻⁶ कूलम्ब और दूसरा है हमारे पास में -0.8 और माइक्रो का मतलब है 10⁻⁶ कूलम्ब। इनके बीच में है बेटा एयर और इनके बीच में जो फोर्स काम कर रहा है उसकी वैल्यू है 0.2 न्यूटन। तो आपको इन दोनों के बीच का गैप बताना है कितना होगा, ये गैप कितना रहने वाला है, आर कितना होगा ये बताना है। मुझे लगता है कि बहुत आसान क्वेश्चन है, ये Q1 है, ये Q2 है, इनके बीच में एयर है, फोर्स इतना काम कर रहा है, सीधा कूलम्स लॉ अप्लाई करते हैं। क्या कहता है कूलम्स लॉ, फोर्स इज इक्वल टू 1/4 πε₀ Q1 × Q2 / r². हाँ भाई बच्चों, क्या लिखेंगे हम 1/4 πε₀ को, इसे हम लिखेंगे 9 × 10⁹। Q1 को हम लिखेंगे ये 0.4 × 10⁻⁶, Q2 को हम लिखेंगे ये विदाउट नेगेटिव, ध्यान रखिएगा कैलकुलेशन में नेगेटिव साइन का यूज़ नहीं करना क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए नेगेटिव साइन का यूज़ नहीं होगा। और इनके बीच का गैप है r² और फोर्स की वैल्यू हमें दे रखी है 0.2, फोर्स की जगह रख दिया 0.2। अब आप एक काम करो बेटा, यहाँ से r² को आप ले जाओ इधर और 0.2 को ले जाओ आप नीचे, ठीक है,
0.2 से 0.8 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.4। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ये आया हमारे पास में 0.4। सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू, नहीं 0.4 नहीं बच्चों, सॉरी ये 4 आएगा, 4 आएगा, ठीक है। ये हो गया 9, ये है 0.4, हमने पॉइंट हटाकर एक पावर यहाँ बढ़ा दी, ठीक है। तो इसे लिख दिया 4 इंटू 4, ये पॉइंट हटाकर एक पावर यहाँ बढ़ा दी, तो ये हो गया 10 की पावर -7, ये -6 और ये है 10 की पावर 9, ठीक है बेटा, समझ में आ रही बात। अब हम एक काम करेंगे, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे और यहाँ लगा देंगे अंडर रूट। देखो जब अंडर रूट लगाएंगे तो 9 का अंडर रूट होगा 3, 4 का अंडर रूट 2, 4 का अंडर रूट 2, ठीक है, -6 और -7 यानी -13, -13 और +9 यानी -4, और -4 का अंडर रूट होगा -2। 3 × 2 6 × 2 12, ये आ गया 12 × 10 की पावर -2 मीटर। अगर इसे सेंटीमीटर में बदलना चाहते हो तो 10 की पावर -2 हटा दो और ये आ गया हमारे पास में बेटा 12 सेंटीमीटर, कि इनके जो बीच का गैप होगा वो 12 सेंटीमीटर होगा। ऐसे हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। बेसिक सी कैलकुलेशन थी वो हमने यहाँ की। 10 की पावर -2 आंसर मीटर में है, इसे हटाओगे तो आंसर आपका सेंटीमीटर में आ जाएगा। सिंपल कूलम्स लॉ लगाकर हमने प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। उम्मीद है कि समझ आ गई होगी बात। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट ये कहता है कि व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट। सेकंड स्फीयर पर कितना फोर्स काम करेगा फर्स्ट की वजह से। अब मैंने कल पढ़ा था, पहला दूसरे पर जितना फोर्स लगाता है तो दूसरा पहले पर भी उतना ही फोर्स लगाएगा। अगर पहले ने दूसरे पर 0.2 लगाया तो दूसरा भी पहले पर 0.2 ही लगाएगा। दोनों एक दूसरे पर इक्वल फोर्स लगाएंगे। फर्स्ट वाले ने सेकंड वाले पर 0.2 लगाया तो सेकंड वाला भी फर्स्ट वाले पर 0.2 ही लगाएगा। सो आंसर हो जाएगा 0.2 न्यूटन, ठीक है, नोट करिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग बेटा। उम्मीद करते हैं कि इतनी बातें आपको समझ आ गई होंगी, इतनी बातों में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बेटा, ठीक है। एक छोटा सा थियोरेटिकल क्वेश्चन आपके पास में आता है बेटा, एक छोटा सा थियोरेटिकल क्वेश्चन आपके पास में आता है और वो ये है, सॉरी, स्टेट द लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कूलम्स लॉ की लिमिटेशन क्या है। बस जितना मैंने अंडरलाइन किया है ना बेटा, इतना ही आपको लिखना है। तो मैं पहले आपको बता देता हूँ कि कूलम्स लॉ की लिमिटेशन क्या है। नंबर वन, कूलम्स लॉ एक तो मूविंग बॉडी के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। जहाँ बॉडी रेस्ट में होती है, काय में होती है, रेस्ट में, बॉडी अगर रुकी हुई है, रेस्ट में है, तो कूलम्स लॉ एप्लीकेबल है। और अगर बॉडी मोशन कर रही है, बॉडी अगर चल रही है, तो कूलम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। तो नंबर वन एप्लीकेशन को आप अच्छे तरीके से ध्यान रखेंगे, कूलम्स लॉ अगर रेस्ट में है तभी कूलम्स लॉ काम करेगा। अगर बॉडी चल रही है ना, चार्ज बॉडीज मूव कर रही हैं, तो कूलम्स लॉ काम नहीं करेगा। तो फॉर मूविंग बॉडीज, मोशन करती हुई बॉडीज के लिए कूलम्स लॉ अप्लाई नहीं किया जा सकता है। नंबर टू, जो बहुत बड़ी बॉडी होती हैं, जिनका साइज बहुत बड़ा होता है, लार्ज चार्ज्ड बॉडी, समझ में आ रही बात, जिनका साइज बहुत बड़ा है, तो बड़ी बॉडीज के लिए भी कूलम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है और मोशन करती हुई बॉडीज के लिए भी कूलम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है। तीसरी लिमिटेशन ये है, ये सिर्फ याद करने की है, सिर्फ सुनने की है, लिखना नहीं इसके बारे में। जब आप न्यूक्लियस के अंदर पहुंच जाते हैं तो न्यूक्लियस के अंदर पहुंचकर भी एक लेवल पर कूलम्स लॉ काम करना बंद कर देता है। हालांकि ये बात आप कहीं बहुत आगे जाकर पढ़ेंगे ट्वेल्थ में, लेकिन मैं आपको यही बता रहा हूँ। पहली बात तो ये हो गई कि अगर दो चार्ज बॉडी, इसके ऊपर भी चार्ज, इसके ऊपर भी चार्ज, अगर ये मोशन कर रही हैं तो कूलम्स लॉ काम नहीं करेगा। दूसरी बात,
जो बड़ी बॉडीज होती हैं, जिनके ऊपर खूब सारा चार्ज होता है, लार्ज बॉडीज होती हैं, उनके लिए कूलम्स लॉ काम नहीं करेगा। एटम तो आप सब जानते हैं, एटम के अंदर होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर पहुंचकर भी कूलम्स लॉ काम नहीं करता है, न्यूक्लियस के अंदर भी कूलम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। न्यूक्लियस के अंदर एक ऐसा पॉइंट आ जाता है कि जहां कूलम्स लॉ काम करना बंद कर देता है, ठीक है। यानी न्यूक्लियस के अंदर कुछ देर तक तो काम करता है, लेकिन जब न्यूक्लियस के बहुत अंदर आप पहुंच जाते हैं तो वहां कूलम्स लॉ हमारा काम करना बंद कर देता है। तो ये हमारी लिमिटेशन होगी बेटा कूलम्स लॉ को लेकर, ठीक है। तो बेटा आज की क्लास में आप लोगों को दो वीडियोज मिलेंगी, दो वीडियोज मिलेंगी, दोनों को आप ध्यान से देखें, ठीक है। दोनों को आप अच्छे तरीके से देखें तो कूलम्स लॉ के ऊपर आपके क्वेश्चंस स्टार्ट हो जाएंगे। आप अपना होमवर्क हमारे पास में प्रॉपरली सेंड करते रहें। ओके, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में।